वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 मैथ्स। बिफोर वी स्टार्ट, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि ये सारे सम्स रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरी प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, तीसरी प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हेन टू नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाई, द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। कुल अर्थ इसका यह है कि जब दो नंबर्स को हम प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका एडिशंस आता है या जो उसकी मल्टीप्लिकेशन आती है, अगर उसके ऑर्डर को हम चेंज भी कर दें तो भी उसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि अगर ए प्लस बी है और बी प्लस ए है, तो अगर हम उसे ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पर ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं या दो कोई भी नंबर हैं, तो उन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं और उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं तभी प्रॉब्लम नहीं आती है और उनका अर्थ जो है वो सेम होगा। 3+2=5 एंड 2+3=5 ही होता है। उसी प्रकार से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों के केस में हमारा आंसर सेम होगा। यानी 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 को 6 से, एक ही बात होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ये क्या रहती है, इसकी डेफिनेशन आपने नोट करनी है। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम दो की जगह तीन नंबर्स लेते हैं। सो व्हेन वी ऐड या और मल्टीप्लाई थ्री नंबर्स, लेकिन इस थ्री नंबर्स को हम ग्रुप के हिसाब से नंबर ऐड करते हैं, द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इन डिफरेंट पैटर्न डज नॉट चेंज द रिजल्ट। आप तीन नंबर्स में पहले दो को प्लस करके तीसरे को बाद में करें, या पहले लास्ट के दो नंबर को प्लस करके पहले वाले को प्लस करें, और उसी प्रकार से मल्टीप्लाई के केस में भी हो। फॉर एग्जाम्पल्स अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर तीन नंबर आपके पास में है ए बी और सी, अगर हम ए और बी को प्लस करके उसके बाद में सी को प्लस करते हैं, वो बराबर होगी अगर हम लास्ट के दो संख्याओं को प्लस करके ए को जोड़े, यानी 2+3+5 और 2 को छोड़कर पहले 3 और 5 को प्लस कर लें, तभी इसका आंसर सेम आएगा। सो ये ऐड के केस में है। मल्टीप्लाई के केस में भी इसी तरह से है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में चाहे हम तीन संख्याओं को प्लस करें ग्रुपिंग के हिसाब से या मल्टीप्लाई करें, उनका रिजल्ट जो है वो सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं कि व्हेन ए फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द एडिशन ऑफ टू टर्म्स, अगर दो संख्याएं हमारे पास हैं और उनके प्लस को अगर हम किसी फैक्टर से किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज इसेंशियल टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द टू नंबर्स बाय द फैक्टर्स। इनको क्लियरली समझने के लिए हम ये देखें कि अगर ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, अब यहां पर बी और सी को हम प्लस कर रहे हैं, टू नंबर्स को प्लस किया और को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इज अ फैक्टर हेयर, तो यहां पर ए जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, साथ में बीच में प्लस का साइन यूज होगा। अगर 2+3+5 है तो इज इक्वल टू 2+3+2=5। सो दिस इज द थिंग जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हमने ये तीनों को सम्स को देखा और उनकी एग्जाम अच्छी तरह से देखे। नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला सम बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, जो तीन प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी हैं उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने इसकी सम को बनाना है। नाउ द दिस इज अ रफ वर्क एरिया जहां पर हम रफ काम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सीधे डायरेक्टली हम सम बना सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है और प्रॉपर्टीज के आधार पर बनाना है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि -2/3 × 3/5 ये जो है ए इंटू बी के रूप में मान लीजिए है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अनुसार कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है। तो हम यहाँ पर -2/3 और 3/5 को 3/5 पहले लिखकर -2/3 कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों करें,
इसका रीजन क्या है करने का, क्योंकि हमने कॉमोडिटी प्रॉपर्टीज को यहां पर लागू करना है और यहां पर 3/5 कॉमन लेना है इस 3/5 से, जहां पर 5/2 जो है उसे हम एज इट इज रहने देंगे। तो यहां पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो ग्रुप हैं, एक 2/3 और 3/5 का, और यहाँ पर 3/5 और 1/6 का। इन दोनों ग्रुप से 3/5 को कॉमन लेना है, इसलिए हम इसे आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को लागू करके ये हम चेंज करते हैं। तो सेकंड में यहाँ पर क्या है, चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस का साइन है, और ये माइनस के साइन को यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये होगा कि ये 3/5 हमें मिल जाता है, जो कि यहाँ पर भी पहले में भी 3/5 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों 3/5 को सेम लेकर आना होता है जिसे कॉमन लिया जा सके। नाउ अब थिंग इज दैट कि अब हमने देखा कि 3/5 को हमने चेंज किया, 3/5 को पहले लिखकर -2/3 को ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ पर हमने प्लस के साइन को चेंज करके यहाँ माइनस कर दिया, क्योंकि ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। प्रश्न ये होता है हम क्यों करें, क्योंकि यहाँ से 3/5 और यहाँ से 3/5 को हमने कॉमन लेना है, इसीलिए हमने ये किया। और ये जो प्रक्रिया हमने करी है, ये हमने की है यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के नियम के अनुसार, जहाँ पर a मल्टीप्लाई b इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने से पहले हम एक दूसरी प्रॉपर्टीज यहाँ फिर लागू हो रही है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपने देखा था पहले भी कि a इंटू बी और b इंटू सी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है में लागू होती है। यहाँ पर 3/5 को a माना गया, -2/3 को b मान लिया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज जो है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। चाहे आप ये पहले लिखें या RHS को पहले लिखें, बात देखिए है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस सी होता है। तो यही प्रॉपर्टीज यही यहाँ पर हमने लगानी है। यहाँ से 3/5 को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया -2/3 प्लस माइनस ब्रैकेट में -1/6, 5/2 एज इट इज यहाँ पर है। तो ये प्रॉपर्टीज किससे लागू हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर है, सम को बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे इम्पॉर्टेंट है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर हमें ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर लिखी गई है, इसको लिखना ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टीज लिखनी बहुत ज़रूरी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ को देखते हुए सम को आगे बनाना है। नाउ 3/5, अब ये यहाँ पर ये प्लस और माइनस को सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस कर दिया गया। अब यहाँ पर इसी के ये इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 6, 2 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4, जैसा कि आप लोगों ने 7th क्लास में किया है। सिंपल ये एलसीएम है, एलसीएम हम निकाल लेंगे, 5/2 इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया 3/5 मल्टीप्लाई -4 को -1 से प्लस हो जाएंगे और माइनस का साइन ही रहेगा, 5/6। अब यहाँ पर अगर कुछ कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर दें, तो हमने देख रहे हैं कि 3 1 3, 3 2 6 कटिंग हो रही है, और 5 1 5, दोनों साइड में 5 कटिंग हो रहे हैं। हमारे पास बस क्या रहा है, 1 -1/2, और इस साइड में बच गया 5/2। अब इनको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, और अगर हम सॉल्व करके देखते हैं एलसीएम लेके 2, तो ये इस प्रकार से 4/2 आता है, और इसे कटिंग कर दें हम लोग 2 1 2 और 2 2 4, तो हमारा आंसर जो है वो 2 आता है। तो ये सम्स हम डायरेक्ट सम बना सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज लगानी है, इसलिए हमने ये दो प्रॉपर्टीज एप्रोप्रिएट लगाई है जिससे ये सम बना हुआ है। तो बच्चे पॉज करके आप इस सम्स को नोट कर लेंगे। नाउ इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन ये कहता है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या कहता है, दिस इज द सम। अब इस सम्स को पहले एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए देखना है कि पहले कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लागू हो सकती है, और ये बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 1/14 और 2/5, यहाँ पर 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 यहाँ पर भी है। इस 2/5 को आपने गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ जो ये 2/5 जो लिखा हुआ है, इसी 2/5 को यहाँ पर भी 2/5 लिखा हुआ है। तो क्यों ना इसे हम पहले लिख लें, अगर हम लोग पहले लिखते हैं तो ये सम कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ए जो हम कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं, 1/4 14 इंटू 2/5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी सम को हम यहाँ पर इसी तरह से लिख देते हैं पहले, सिंपल अपने यहाँ पर 2/5 को पहले लिख दिया और 1/14 को पहले बाद में लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में से हम इनको कॉमन करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर लागू होती है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड में
हमारे पास अब यहाँ पर देखते हैं ये ए है, ये बी है और ये 2/5 फिर ए है और सी है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लागू करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि दिस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी होता है। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू करने के लिए यहाँ पर हमने 2/5 को कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लेते हैं तो -3/7 बच जाएगा और जैसे 1/14 बच जाएगा। ये जो बीच के पोर्शन है एज इट इज हमने लिख दिया 1/6 × 3/2, इसे हमने कुछ भी नहीं करना है। अब इन्हें यहाँ पर ये कटिंग हो सकती है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाई गई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, जिसे लिखना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी इम्पॉर्टेंट लाइन भी है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लागू हुई और एक प्रॉपर्टी यहाँ लागू हुई है। इसके बाद हम सिंपल सॉल्व करेंगे, 7 और 14 का हम एलसीएम निकालेंगे, 14 आ जाएगा और एज इट इज 7 × 2 = 14, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -6, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 रह गया। अब यहाँ पर ये जो सम थे इसे जब कटिंग कर दिया गया तो 1/2 = 4 बच जाता है। नाउ इसे अगेन सम को सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट ख़त्म करके, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाले सीन्स हैं इसे हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया, 2 × 2 और 2 × 7 = 14, 5/5 कटिंग हो जाते हैं, हमारे पास लास्ट में बचता है -1/7, -1/4। अब इनका हम फिर से एलसीएम लेते हैं, 28 एलसीएम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एलसीएम हम दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से ये एलसीएम के नियम के अनुसार इसे हम सॉल्व करते हैं, -11/28, यही हमारा आंसर होता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो चीज़ें हमने देखी हैं कि यहाँ पर हमने दोनों जो भी प्रॉपर्टीज लगानी है उसे लिखना ज़रूरी है, और किन्हीं जिसे भी हमने प्रॉपर्टीज में लागू किया उसे रफ वर्क में यूज़ करना है। तो इस प्रकार सेकेंड क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर्स को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टीज आती है, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर, एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या होती है एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स का ये तीनों इन जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं इसी के आधार पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व होगा, इसलिए इसे देखना बहुत ज़रूरी है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, सो दैट ए बाई बी प्लस, यहाँ पर क्या देखने वाली बात होती है कि रैशनल नंबर अगर a बाई बी है उसमें कितना प्लस किया जाए कि हमारा रिजल्ट जीरो आ जाए, बट नेचुरली उसका नेगेटिव नंबर अगर हम प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं 5 में कितना प्लस किया जाए कि जीरो हो जाए, तो 5 में हम -5 को प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स a बाई बी जो है वो इज़ -a/b हो जाएगा। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जीरो इज एडिटिव इनवर्स। सेकेंड, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर, सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर इट्सेल्फ अ नंबर। अगर 6 एक नंबर है उसका नेगेटिव लिया जाए तो -6, और उसका फिर नेगेटिव लिया जाए तो -, प्लस हो जाएंगे तो रिजल्ट जो है हमारा 6 आएगा। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, ए बाई बी अगर एक रैशनल नंबर है उसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो है 1 आएगा, तो बट नेचुरल है कि उसे आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। तो a बाई बी अगर आपका रैशनल नंबर है तो उसे हम b बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। सो इस प्रकार से इन तीनों के आधार पर, इन तीनों के बेस पर हम अगले सम करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स। याद रहे एडिटिव इनवर्स बोला गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने प्लस करना है उसी संख्या के नेगेटिव साइन से, तो हमारा रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो जैसे 2/5 है, अब हम एग्जांपल में रफ वर्क में देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। x/y अगर है तो -x/y से हम उसको एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, तो x/y को अगर -x/y से प्लस कर दें तो हमारा रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरे एग्जांपल लें, अगर a है तो a का नेगेटिव -a से करेंगे तो एडिटिव इनवर्स कहला जाएगा। अगर हम एडिटिव इनवर्स ले लें -a का, तो -a का एडिटिव इनवर्स a होगा, क्योंकि -a को a के साथ प्लस करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। अगर कोई पूछता है कि एडिटिव इनवर्स 5 कितना होगा, तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। उसी प्रकार से -5 का क्या होगा, 5 होगा। अब यहां पर हम पहला सम देखते हैं 2/8, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8 होगा, बिकॉज दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, चूंकि माइनस पहले से ही दिया गया है, अब इसका हम
फिर से इसको माइनस इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि 5/9 हो जाएगा। अब 5 -5/9 और 5/9 को प्लस करेंगे तो 0 हमारा आ जाएगा। थर्ड वन इज -6/-5। अब ये दोनों जगह माइनस दिए हो, इसका मतलब पहले माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो माइनस माइनस कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास बच गया 6/5। अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो -6/5 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन 2/-9। कई बच्चे इस बात से घबरा जाते हैं कि नेगेटिव का साइन नीचे दिया गया। बेटे अगर नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में है या नोमिनेटर में है, बोथ आर सेम थिंग। आप नीचे को ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर को नीचे भी लिख सकते हैं, उसके साइन जो नेगेटिव साइन होते हैं। इसलिए 2/-9 इसका अर्थ -2/9 भी हो सकता है। तो माइनस में दिया गया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 -19/-6 उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो इस प्रकार से 1.1 का जो सेकेंड क्वेश्चन है एडिटिव इन्वर्स बहुत आसान है और सिंपली तरीके से हम उसका एडिटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। पॉज करेंगे वीडियो को और इसे नोट करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -(-x) इज x। हमें साबित करना है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर सेम होते हैं। हमने रफ वर्क में भी देखा था और हमने पिछले इंट्रोडक्शन में भी देखा था। यहाँ पर रफ वर्क में दोबारा से हम देखें, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज द सेम नंबर। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर हमने 5 -5 है और उसको फिर नेगेटिव किया जाए तो रिजल्ट हमारा 5 होगा। अब यहाँ पर x=11/15 है। अगर इसका हम नेगेटिव और नेगेटिव एक्स निकालना चाहते हैं तो पहले नेगेटिव एक्स निकाल लें, तो नेगेटिव एक्स निकाला गया तो दोनों तरफ माइनस दे दिया साइन। अब इसका फिर एक बार नेगेटिव निकाला जाए, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स, तो यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, 11/15 आ जाता है। तो आप गौर से देखें कि यहाँ पर जो 11 और 15 आया, ये 11 और 15 हमारे सम में दिया गया था स्टार्टिंग में। इट मीन और इसका अर्थ है एक्स, इट मीन इसके बदले में हम एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो एक्स के बराबर हुआ। सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज एक्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। सेकेंड क्वेश्चन है x=-13/17। अब याद रहे यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही लिखा हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने यहाँ पर x को ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले हमने दोनों साइड में माइनस लगा दिया तो -x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले -x निकालना है यहाँ पर, देखिए फिर माइनस निकालना है, दो बार माइनस करके निकालना है, तो -x निकालना है LHS में, RHS में ही -x हो गया। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर ले, तो इसे सॉल्व करते हैं तो 13/17 हो गया, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। एक बार और नेगेटिव साइन लगाना है हमने, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ नेगेटिव लगाया, फिर यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ गया हमें। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स जो है एक्स के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा रिजल्ट निकला -13/17, यहाँ पर भी वही है -13/17 जो एक्स के बराबर है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि -(-x)=x। सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज एक्स, तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज एक्स वेरीफाई हो रहा है। इस प्रकार से इसे पॉज करके इसे नोट करेंगे और 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमने एडिटिव इन्वर्स देखा था, उसमें हमने क्या किया था कि ऐसी संख्या लेनी थी जिससे प्लस करने पर 0 आ जाए। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। -13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, तो पहले हम रफ वर्क देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसका अर्थ ये है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एक्स बाई वाई इज वाई एक्स। अब इन दोनों को अगर हम प्लस मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें हम, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा, क्योंकि 1/a को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। कुल मिला के क्या कर रहे हैं, जो भी संख्या है उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो उसके रेसिप्रोकल से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -a लेना हो तो -a को हम 1/-a से मल्टीप्लाई कर दें उसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का मतलब उसे हम पलट दें, 5 है तो एक 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो इससे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। ना ये एग्जांपल देखते हैं, माइनस थर्टीन। अब यहाँ पर माइनस थर्टीन के नीचे कुछ नहीं है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि वन है, तो माइनस थर्टीन बाई वन। अब इसको अगर हम पलट दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस वन बाई थर्टीन। अब ये वन माइनस थर्टीन बाई वन इक्वल अजय लिखा वन बाई थर्टीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। सो हम चाहे ये आंसर बोलें चाहे ये आंसर बोलें, क्योंकि नेगेटिव साइन नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात होती है। सेकेंड क्वेश्चन, माइनस थर्टीन बाई नाइनटीन। अब ये माइनस लिखा हुआ पहले से, अब ये हम इसे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि माइनस थर्टीन ओवर नाइनटीन को नाइनटीन ओवर माइनस थर्टीन कर देते हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर जो होगा वन होगा। वन बाई फाइव, वन बाई फाइव को हम रेसिप्रोकल करेंगे फाइव बाई वन, वन बाई फाइव को फाइव बाई वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो हमारा है वो वन आ जाएगा। सो अब 5 बाई वन तो हमें लिखना नहीं है, केवल 5 लिख दें, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा तो वही 1 ही नीचे 1 माना जाता है, सो 5 इज द आंसर। फोर्थ इज माइनस 5 बाई एट इंटू माइनस 3 बाई सेवन। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिया गया है, तो इसे पहले सॉल्व कर लिए आप, सॉल्व करके सिंगल रेशनल नंबर निकाल लें। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 3 जा 15, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। अब 15 बाई 56 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15 6 ओवर 15। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 1 होगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ इसका, 56 ओवर 15 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, माइनस वन इंटू माइनस टू बाई थ्री, पहले से सॉल्व करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 रह गया, 2 बाई फाइव, 2 बाई फाइव को हम रेसिप्रोकल कर देंगे 5 बाई टू, तो 5 बाई टू इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है माइनस वन। अब अकेला माइनस वन है, अब आप देखिए माइनस वन के नीचे भी तो माइनस वन है, किसी भी संख्या के नीचे वन है अगर कुछ नहीं दिया गया है, तो माइनस वन बाई वन। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई माइनस वन, राइट। सो इसका आंसर माइनस वन ही होगा, तो माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। सो इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया।